भी दोषी है झंडा को उखाड़ के फेंका है, उसको पुलिस प्रशासन जब तक नहीं ढूंढ निकालेगी और कार्रवाई नहीं करेगी और सम्मानपूर्वक इस झंडा को वहाँ पर स्थापित नहीं करेगी, तब तक हम लोग बिशनपुर के ब्लॉक को बंद कर देंगे। इस निमित्त हम लोग ताला भी बंद कर देंगे। गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर गुमला कचहरी परिसर में स्थापित चरखा छाप ताना झंडा उखाड़ने व गणतंत्र दिवस के अवसर पर प्रखंड प्रशासन के द्वारा स्वतंत्रता सेनानी जतरा टाना भगत के प्रतिमा पर माल्यार्पण नहीं करने को लेकर शनिवार को सिमडेगा गुमला लातेहार लोहरदगा जिला के विभिन्न प्रखंडों से बिशुनपुर बस स्टैंड के समीप टाना भगत एकत्रित हुए और रैली करते हुए प्रखंड कार्यालय पहुंचे, जहां टाना भक्तों ने प्रखंड विकास पथ अधिकारी छंदा भट्टाचार्य को दूरभाष के माध्यम से मामले से अवगत कराते हुए प्रखंड सर अंचल कार्यालय के सभी मुख्य द्वार पर ताला जड़ दिया। इस मौके पर टाना भगत कमेटी के प्रदेश संयोजक जनार्दन भगत ने कहा कि जब तक ताना झंडा को पुनः कचहरी परिसर में सम्मान पूर्वक स्थापित नहीं किया जाता है, तब तक प्रखंड कार्यालय पूर्ण रूप से बंद रहेगा। आज विरोध प्रदर्शन हम लोग इसलिए किए प्रखंड कार्यालय में, 26 जनवरी के को हम लोगों ने जिला मुख्यालय के कचहरी परिसर में जिला भर के टाना भगत पहुंचकर झंडोत्तोलन किए थे। ताना झंडा चरखा छाप झंडा फहराया गया था लगभग 1:30 बजे के लगभग, जिसे कि रात में ही किसी ने उखाड़ के फेंक दिया। सभी झंडा होने के बाद केवल टाना झंडा क्यों उखाड़ के फेंक दिया जाता है, इसका हम लोग विरोध प्रकट आज हम लोगों ने किया। क्या किया विरोध में आप लोगों ने? विरोध स्वरूप हम लोग ये किए और मांग रखे कि जब तक जो भी दोषी है झंडा को उखाड़ के फेंका है, उसको पुलिस प्रशासन जब तक नहीं ढूंढ निकालेगी और कार्रवाई नहीं करेगी और सम्मानपूर्वक इस झंडा को वहाँ पर स्थापित नहीं करेगी, तब तक हम लोग बिशनपुर के ब्लॉक को बंद कर देंगे। इस निमित्त हम लोग ताला भी बंद कर दिए। अच्छा, जब तक आप लोगों की मांग पूरी नहीं होगी तब तक ताला बंद? ये ताला बंद तब तक रहेगी जब तक हम लोगों की मांग पूरी नहीं होती है। मांग में क्या है? मेरा जनार्दन टाना भगत। मांग में क्या रखें? बस पारंपरिक झंडा, अपने झंडा को सम्मान पूर्वक स्थापित करा जाए और झंडा को सलामी दिया जाए। ठीक। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।